इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव में कई सारे जो वीडियो होता है, तो इस वीडियो को मैं जो एलईडी या एलसीडी टीवी में जो प्ले करते हैं तो उसमें प्ले नहीं हो रहा है, जो अनसपोर्टेड का फाइल प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस हमारा जो एलईडी टीवी है, तो इस एलईडी टीवी में हमने जो पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद जो पेन ड्राइव में वीडियो है तो इस वीडियो हमारा उसमें प्ले नहीं हो रहा है। तो चल मैं माउस पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसे हमारा जो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव में एक हमारा वीडियो है, तो इस वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ तो अनसपोर्टेड फाइल आ रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा वीडियो जो एलईडी टीवी में प्ले नहीं हो रहा है। जो वीडियो का नाम है जो 2021 है, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस वीडियो है वही हमारा एलईडी टीवी में शो नहीं हो रहा है, प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले जो पेन ड्राइव है, तो वही पेन ड्राइव आपको एलईडी टीवी से हटा देना है, और हटाने के बाद इस पेन ड्राइव आपको मोबाइल में लगाना है। तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अभी देख लीजिए कि जिस पेन ड्राइव है वही मैंने एलईडी टीवी से हटा दिया है, और हटाने के बाद जो ओटीजी के साथ कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद चल मैं मोबाइल के साथ पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ, और जिस हमारा वीडियो एलईडी टीवी में प्ले नहीं हो रहा है वही मैं प्ले करके लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो अभी देख लीजिए कि मोबाइल में हमने जो पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद जो पेन ड्राइव में वीडियो है, तो इस वीडियो आपको फोन मेमोरी में ट्रांसफर कर देना है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अब देख लीजिए कि पेन ड्राइव को मैंने ओपन कर दिया है, और वीडियो का नाम है 2021। आपको नाम पे देख लीजिए कि इस वीडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और आपको कट पे क्लिक करना है। आपका जितना वीडियो है वही आपको पेन ड्राइव से सिलेक्ट करके कट करना है, और आपको फोन मेमोरी में किसी भी फोल्डर में ट्रांसफर कर देना है। तो चलो मैंने 7G का फोल्डर है उसमें मैंने पेन ड्राइव से वीडियो ट्रांसफर कर दिया है। जितना हमारा पेन ड्राइव में एक वीडियो है वही मैंने फोन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया है। तो आपको इसी तरह ट्रांसफर कर देना है, और ट्रांसफर करने के बाद आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी देख लीजिए कि फोन मेमोरी में 7G का फोल्डर है उसमें हमारा वीडियो है वही मैंने पेन ड्राइव से ट्रांसफर किया है, और अभी देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव में अभी तक कोई वीडियो नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वीडियो कन्वर्ट का, मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो वही एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। तो चलो मैं वीडियो कन्वर्ट का एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको इसी तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वीडियो कन्वर्ट पे क्लिक करना है, तो चलो मैं वीडियो कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपका जिस वीडियो आपका एलईडी टीवी में शो नहीं हो रहा है, जो प्ले नहीं हो रहा है, वही वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी हमारा वीडियो था वही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। वीडियो का हमारा जो नाम था 2021, तो वही मैंने आपको एलईडी टीवी में भी बताया है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो वीडियो है एलईडी टीवी में शो नहीं हो रहा है, तो वही आपको सिलेक्ट करना है, तो वही मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसमें रेजोल्यूशन है वही आपको चेंज करना है, क्योंकि हमारा कई सारे वीडियो HD में होता है, तो इस वजह से हमारा एलईडी टीवी में प्ले नहीं हो रहा है। तो चलो मैं 720 का साइज को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको 0 से 100 तक कम्प्लीट करना है, और आपका जो वीडियो है वही आपका MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको आसान तरीके एलईडी टीवी में प्रॉब्लम है वही शो कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, हमारा 100% हो गया है, और होने के बाद आपको सबसे पहले जो फोन मेमोरी है वही आपको ओपन करना है, क्योंकि फोन मेमोरी में जो एक फोल्डर आ गया है वीडियो कन्वर्ट का वही आपको ओपन करना है। तो चल मैं फोन मेमोरी पे क्लिक करता हूँ, अब देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव में कोई वीडियो नहीं है, तो वही मैं फोन मेमोरी को ओपन करता हूँ, और उसमें वीडियो कन्वर्ट का जो फोल्डर होता है वही आपको ओपन करना है। तो चल मैं वीडियो जो कन्वर्ट का फोल्डर है वही मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उसमें वीडियो कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि वीडियो का नाम है जो 2021 है वही वीडियो आपको सिलेक्ट करना है,
और सिलेक्ट करने के बाद आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जो हमारा वीडियो है वही मैंने कन्वर्ट कर दिया है, वही वीडियो में पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो फिर से हमारा पेन ड्राइव में वीडियो आ गया है, और होने के बाद आपको सबसे पहले जो पेन ड्राइव है वही आपको मोबाइल से हटाना है, और हटाने के बाद आपको इस पेन ड्राइव को LED टीवी में कनेक्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा वीडियो प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो वीडियो का नाम था वही हमारा 2021 था, वही मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बताया है। तो चलो मैंने LED टीवी में फिर से मैंने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा वीडियो ये वही हमारा प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो मैं सभी प्रोसेस है वही मैं आपको लाइव प्रूफ करके बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले मोविस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा पेन ड्राइव हमने सही से कनेक्ट कर दिया है और इस हमारा वीडियो है। तो चलिए मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ और वीडियो का नाम पे देख लीजिए। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से वीडियो है वही हमारा प्ले हो गया है। मैंने लाइव प्रूफ करके प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताया है कि आपको किस तरह वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और पॉज करने के बाद चलिए मैं फिर से आपको बैक बटन पे क्लिक करके वीडियो को प्ले करके बताने वाला हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा रिमोट कंट्रोल है, इससे मैंने पॉज कर दिया है। चलिए मैं फिर से बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, और बैक बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा पेन ड्राइव में एक ही वीडियो है। आपके पास कई सारे जो वीडियो होता है तो इसी तरह आपको आसान तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जो भी मैं वीडियो पे क्लिक रखा हो, तो अभी देख लीजिए कि हमारा ऑटोमेटिक वीडियो है वही हमारा प्ले हो गया है। तो गाइस आपके पास इस तरह कई सारे पेन ड्राइव में वीडियो होता है, लेकिन LED टीवी में जो आपको कनेक्ट करते हैं वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो इसी तरह आपको मोबाइल में वीडियो ला के कन्वर्ट करके फिर से पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।